हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इतने सारे टेक्निकल एनालिसिस मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। तो यहाँ मेरा आंसर होगा कि अगर आप डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग पर मास्टर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी टेक्निकल एनालिसिस मेथड में डिमांड एंड सप्लाई का जो मेथड है वो मोस्ट पावरफुल मेथड है। और हाँ, अगर आप सिर्फ डिमांड और सप्लाई की कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेते हैं अलोंग विद रिस्क मैनेजमेंट, तो इतना ही काफी होगा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। तो क्यों सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग इतना पावरफुल है, इसके पीछे बहुत से रीजन है। लाइक, अगर आप सप्लाई और डिमांड के बेस पर ट्रेड करते हो तो आप ये पता लगा सकते हो कहाँ बड़े प्लेयर्स, बिग बैंक्स या इंस्टीट्यूट्स बाइंग या सेलिंग कर रहा है। दूसरा रीजन, सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, चाहे वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या फिर डेली टाइम फ्रेम हो। तीसरा रीजन, सप्लाई और डिमांड सभी इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल है, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स, इंडिसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एक और प्लस पॉइंट है कि चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर, ये सभी टाइप के ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। और लास्ट पॉइंट, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ आपको एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है। सो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग बाकी ट्रेडिंग के मेथड से ज्यादा पावरफुल है। नाउ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड के 4 पिलर्स हैं, जिसे समझकर हम सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। नंबर 2, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब हमें कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें उसे चार्ट पे ड्रॉ करना है। नंबर 3, आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन, मतलब हमें हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी के डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना है। एंड नंबर 4, व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट इन सप्लाई एंड डिमांड जोन, मतलब हमें कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट करना है। तो सप्लाई एंड डिमांड को समझने से पहले कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ये समझने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसमें आपको ये समझना होगा कि जो मार्केट है वो हमेशा बैलेंस और इनबैलेंस के बीच में मूव करता है। तो बैलेंस टू इनबैलेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार का एरिया, यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ एरिया है जहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता है और कुछ एरिया है जहाँ बिग मूवमेंट हुआ है। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट बैलेंस तो इम्बैलेंस मूव करता है, मतलब मार्केट इस प्रकार ऊपर नहीं जाता। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये कुछ इस प्रकार ऊपर जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। सो मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव करता है, बैलेंस टू इम्बैलेंस, जिसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जो बॉक्स हमने यहाँ ड्रॉ किया है वो बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस है, और ये है इम्बैलेंस एरिया, मतलब यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच इम्बैलेंस है। तो ये वो चीजें जो आपको डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के पहले सीखना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बैलेंस एरिया पर फोकस करने वाले हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना है, आफ्टर द बैलेंस ऑफ मूवमेंट आया है वो कितना स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग मूवमेंट होगा उतना ही स्ट्रांग हमारा जोन होगा। अब देखिए, दो तरह के सप्लाई जोन होते हैं, पहला रिवर्सल जोन और दूसरा है कंटिन्यूएशन जोन। और सेम डिमांड जोन भी दो प्रकार के होते हैं, पहला रिवर्सल जोन और दूसरा कंटिन्यूएशन जोन। तो रिवर्सल जोन में प्राइस एक ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करती है और फिर रिवर्स हो जाता है, और कंटिन्यूएशन में प्राइस ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करता है और फिर अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये थे दो तरह के सप्लाई एंड डिमांड जोन। दोस्तों, ये थे बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आइए अब समझते हैं कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करके उसे मार्क या ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए, ये एक रिवर्सल सप्लाई जोन है, यहाँ प्राइस बिग मूव के साथ ऊपर जाता है, फिर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर सडनली बिग कैंडल के साथ नीचे रिवर्स हो जाता है। याद रखिएगा, ये जो रिवर्सल है यहाँ हमें स्ट्रांग मोमेंटम चाहिए, मतलब मार्केट बिग स्ट्रांग कैंडल के साथ नीचे आना चाहिए, तो ये एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है, बिकॉज यहाँ हमें एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलता है। और सेम कॉन्सेप्ट डिमांड जोन के लिए एप्लीकेबल होता है, प्राइस नीचे आता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर हमें यहाँ एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलता है विद बिग ग्रीन कैंडल्स। तो ये मोमेंटम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग ये डिमांड जोन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, प्राइस जो है यहाँ से स्ट्रांग कंटिन्यू ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाता है, मतलब ये एरिया एक स्ट्रांग डिमांड जोन है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए मार्केट कैसे यहाँ बिग रेड कैंडल के साथ नीचे गिरता है, मतलब ये एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है।
नाउ अब इन तीन एग्जांपल को देखिए और बताएं इनमें से कौन सा सप्लाई जोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीनों में प्राइस रिवर्सल हो रहा है, पर इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है ये बताइए। अगर आपका आंसर नंबर 3 है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 की तुलना में नंबर 3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो थर्ड एग्जाम्पल का रिवर्सल मूव है वो बाकी दोनों के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में प्राइस को वापस इस लो तक आने के लिए 7 कैंडल्स लगते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 में प्राइस को वापस लो तक आने में 6 कैंडल्स लगते हैं और वहीं एग्जाम्पल नंबर 3 में प्राइस को वापस इस लो तक आने में सिर्फ 3 कैंडल्स लगते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा जोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक और तरीका देखते हैं जिससे हम स्ट्रॉन्ग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है आप मूवमेंट को देखिए। पहले एग्जाम्पल में जो फॉल है वो इमीडिएट नहीं है, इसमें बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। इसका मतलब बायर्स अभी भी प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल भी स्ट्रॉन्ग है, बट थर्ड एग्जांपल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि थर्ड एग्जांपल में प्राइस सिर्फ 3 कैंडल्स में डिस्टेंस कवर करता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप स्ट्रॉन्ग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोस्तों आइए अब देखते हैं कैसे हम लो क्वालिटी डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में प्राइस यहाँ से बाउंस करता है और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी प्राइस यहाँ से बाउंस करता है। तो अब हमें इस कैंडल से 5 कैंडल को देखना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 कैंडल में हमें इतना मूव देखने को मिलता है, बट एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 5 कैंडल में इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो यही मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक लो क्वालिटी का डिमांड जोन है और ये एक हाई क्वालिटी का डिमांड जोन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एक रिवर्सल है और ये भी एक रिवर्सल है, और अगर आप मुझसे पूछो इन दोनों में कौन सा सप्लाई जोन हाई क्वालिटी का है तो मेरा आंसर होगा ये वाला। तो इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, यहाँ देखिए यहाँ हमें फास्ट मोमेंटम या बड़े कैंडल देखने को मिलते हैं, बट वहीं यहाँ देखिए यहाँ सीरीज ऑफ बिग रेड कैंडल बनते हैं जो हमें बताता है कि ये एक सप्लाई जोन है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ से गिरता है और फिर यहाँ से भी गिरता है, और अब आप बताइए इसमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोगों को भी पता है, ये वाला, बिकॉज हमें यहाँ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है विद सीरीज ऑफ बिग रेड कैंडल्स। तो जब हम इस प्रकार का प्राइस एक्शन देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमें कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है और जोन को ड्रॉ कैसे करना है। तो जोन ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सप्लाई जोन ड्रॉ करना है तो जिस कैंडल से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ था, हमें इसके पहले जो कैंडल है उसके हाई एंड लो को लेते हुए एक सप्लाई जोन क्रिएट करना है कुछ इस प्रकार, और प्राइस जब वापस इस लेवल पर आएगा तो हम बीआरएस प्राइस एक्शन को देखकर यहां ट्रेड ले सकते हैं। सेम इसी तरह डिमांड जोन को मार्क करेंगे, जिस कैंडल में प्राइस में मोमेंटम आया था उस कैंडल के पहले जो कैंडल है हम उसके हाई एंड लो को मार्क करेंगे और उसके बेस पर एक डिमांड जोन क्रिएट करेंगे कुछ इस प्रकार, और प्राइस जब वापस इस जोन को अप्रोच करेगा तो हम यहाँ बुलिश प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड ले लेंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए प्राइस यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम के साथ नीचे गिरता है और इस मोमेंटम कैंडल के पहले जो कैंडल है हम उसके बेस पर एक सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट प्राइस वापस इस सप्लाई जोन को अप्रोच करता है और यहाँ काइंड ऑफ बियरिश लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म करता है, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, मतलब एक रेड मोमेंटम कैंडल जो इसके लो को ब्रेक करे। सो यहाँ हमें एक रेड मोमेंटम कैंडल मिलता है, देन मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा डिमांड जोन है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ एक बुलिश प्राइस एक्शन के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कभी कभी फेल हो सकता है, बट सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग में हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और प्रॉफिट बड़ा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग करते टाइम बेस्ट इंडिकेटर को चूज करना है या ये जानना है कि कौन सा इंडिकेटर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। इसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी इंडिकेटर्स की या टॉप 5 इंडिकेटर्स की डिटेल में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।